Hey guys, welcome back again to our channel Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें. नंबर 1, सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग ने मुंबई में सेलेब्स की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है. वहीं दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 और आरोपियों को अरेस्ट किया है. हाल ही में मिली जानकारी की माने तो कहा जा रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में बंदूक सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को पंजाब से अरेस्ट कर लिया है. जी हाँ, मिली जानकारी की माने तो दोनों आरोपियों के नाम भी पता चल गए हैं. एक का नाम सोनू सुभाष चंदर है, दूसरे का नाम अनूप थापन है. नंबर 2, शाहरुख खान की तरह उनके बच्चे भी इंटरनेट पर छाए रहते हैं. पिछले कुछ समय से किंग खान के बेटे अब्राहम खान का भी एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वो अनन्या का बैग उठाए नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि ये वीडियो एयरपोर्ट का है. फिर क्या था, फैंस ने जैसे ही वीडियो में अब्राहम को नोटिस किया, हर कोई उनकी तारीफ करने लगा. फैंस अब्राहम को शाहरुख खान की तरह जेंटलमैन बता रहे हैं और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. नंबर 3, सालार 2 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. प्रशांत नील और प्रभास की सालार 2 से नया अपडेट सामने आया है, जहां दावा किया जा रहा है कि कियारा अडवाणी को फिल्म में जगह मिल सकती है. सियासत की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास के साथ सालार 2 में कियारा अडवाणी की जोड़ी बन सकती है. अगर ऐसा सच में हुआ तो ये पहला मौका होगा जब दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर नजर आएगी. लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. मेकर्स की तरफ से इस पर कंफर्मेशन का वेट किया जा रहा है. नंबर 4, रिधिमा कपूर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ और परिवार के बारे में खुलकर बात की है. इस दौरान उन्होंने अपने पिता ऋषि कपूर के कैंसर होने के बाद परिवार को ट्रॉल करने पर भी अपना पक्ष रखा. हाल ही में गलाटा इंडिया से बात करते हुए रिधिमा ने ट्रॉलर्स को जवाब दिया. वो कहती हैं, उस समय परिवार को ही एक दूसरे का सहारा था, ऐसे में सभी को एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहना था. रिधिमा कहती हैं कि लोग नहीं जानते कि उनका परिवार किस मुश्किल दौर से गुजरा, सभी बस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे. नंबर 5, जोया अख्तर की फिल्म द आर्ची से डेब्यू करने वाले अमिताभ बच्चन के नाती अक्षत्य नंदा जल्द ही श्रीराम राघवन की अपकमिंग फिल्म में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया भी बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है. हालांकि उनके किरदार को लेकर कोई ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है, लेकिन वो अक्षत्य नंदा के साथ रोमांटिक लीड के रूप में नजर आने वाली हैं, जिसको लेकर वो एकदम तैयार है. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सीन्स की शूटिंग भी पूरी कर ली है. नंबर 6, जूनियर एनटीआर का हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सुपरस्टार पेपराजी पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि जूनियर एनटीआर फोन पर बात करके दिखाई देते हैं और उनके आसपास कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद हैं. जूनियर एनटीआर जैसे ही होटल के गेट पर पहुंचते हैं तो एक्टर के साथ पेपराजी भी होटल में आने की कोशिश करते हैं. इसी पर जूनियर एनटीआर भड़क जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, ओ इसे वापस रखो. नंबर 7, 8 साल के गिले शिकवो को भूल गोविंदा भांजी आरती सिंह की शादी में पहुंचे थे, जहां से गोविंदा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर भांजी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने की बात करते नजर आ रहे हैं. गोविंदा ने इस दौरान कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है जो कृपा आरती पर हुई है, किसी प्रकार का वास्तु दोष ना लगे. इतना कहकर गोविंदा हाथ जोड़कर वहां से निकल जाते हैं. गोविंदा का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग गोविंदा की जमकर तारीफ कर रहे हैं. नंबर 8, लापता लेडीज अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे चुकी है. इस बारे में ऑफिशियल ऐलान भी हो गया है. लापता लेडीज को आमिर खान के प्रोडक्शन बैनर तले बनाया गया है. लापता लेडीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है. इस बारे में OTT प्लेटफॉर्म ने ही जानकारी शेयर की थी. इस दौरान नेटफ्लिक्स ने कैप्शन में लिखा था कि ताज़ा खबर, लापता लेडीज मिल चुकी है. फिल्म 25 अप्रैल 2024 को आधी रात को रिलीज की जाएगी. अब इस ताज़ा खबर के बाद फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और इस फिल्म को OTT पर भी जमकर प्यार मिल रहा है. नंबर 9, बड़े मियां छोटे मियां एक्टर अक्षय कुमार को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि खिलाड़ी कुमार ने डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ एक हॉरर कॉमेडी मूवी के लिए हाथ मिलाया है. HTCT से बातचीत में प्रियदर्शन ने ये बताया है कि वो जल्द ही अक्षय कुमार के साथ प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देने वाले हैं. बता दें कि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी सुपरहिट है. दोनों ने हेरा फेरी समेत कई मूवीज में साथ में काम किया है. नंबर 10, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर शाहरुख खान के बच्चे सुहाना खान और आर्यन खान चर्चित स्टार किड्स में से एक है. सुहाना खान और आर्यन खान हाल ही में एयरपोर्ट पर नजर आए और उनके साथ शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि सिंह भी दिखाई दिए. सुहाना खान और आर्यन खान जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पेपराजी उन्हें कैमरे में कैद करने लगे. इसके साथ ही पेपराजी ने सुहाना खान और आर्यन खान को एक साथ पोज देने के लिए कहा तो वो उनकी बात को इग्नोर करते हुए एयरपोर्ट के अंदर चले गए. दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है.
नम विल लिव इट। ऋचा चड्ढा और अली फजल जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। प्रेग्नेंट एक्ट्रेस हाल ही में हीरा मंडी के प्रीमियर में पहुंची। ऋचा ने ब्लैक साड़ी पहनी थी जिसमें उनका बड़ा सा बेबी बम कैमरे में कैद हो गया। इस दौरान रेखा जैसे ही प्रेग्नेंट ऋचा चड्ढा से मिली तो दोनों ने एक दूसरे से खूब सारी बात की। वीडियो में रेखा को देखकर ऐसा लगा कि वो ऋचा चड्ढा का हाल चाल ले रखी है। इसके बाद रेखा नीचे थोड़ा सा झुकती है और एक्ट्रेस की टमी पर किस करने लगती है। नंबर 12। बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता इन दिनों अपनी अपकमिंग मोस्ट अवेटेड वॉर रूम ड्रामा सीरीज रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है जो उनकी उम्र और फिजिक्स को लेकर उन पर भद्दे कॉमेंट्स करते हैं। उन्होंने कहा, मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूं, लेकिन उतना ही हूं जितना मैं वहां रहना चाहती हूं। अगर मैं फॉलोअर्स कॉमेंट्स और इस तरह की चीजों की भूखी हूं, तो मुझे इसके साथ आने वाली हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। नंबर 13। विद्या बालन की फिल्म भूल भुलैया 3 इस समय चर्चा में है। इस फिल्म की शूटिंग खूब जोरों शोरों से चल रही है। फिल्म के नए गाने की शूटिंग को लेकर लेटेस्ट डिटेल सामने आ रही है। फिल्म के पॉपुलर सॉन्ग अमिजीत उमार को फिर से एक बार शूट किया जा रहा है। इस गाने में एक दो नहीं बल्कि 4 स्टार्स फीचर होने जा रहे हैं। ये गाना जब शूट हो जाएगा, कहा जा रहा है कि उसके बाद से अगले शेड्यूल की शूटिंग के लिए मेकर्स यूरोप जाएंगे। नंबर 14। शाहरुख खान और अजय देवगन विमल इलायची के नए एड के लिए फिर से साथ आ गए हैं और इस बार उनके साथ टाइगर श्रॉफ ने भी ज्वाइन किया है। साफ है कि बड़े मियां छोटे मियां के एक्टर ने अपने को एक्टर अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि इससे पहले शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार की तिल्ली इस एड में नजर आई थी। इस बार एक्ट्रेस अमायरा दस्तूर भी इस एड में दिखाई दे रही है। नए एड का प्रीमियर शुक्रवार रात को IPL मैच के दौरान हुआ। अब ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एंड नंबर 15। अजय देवगन की रेड 2 फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग अप्रैल के एंड तक पूरी हो जाएगी। राजकुमार गुप्ता के जरिए डायरेक्टेड ये फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अभी फिलहाल लखनऊ में फिल्म अपने आखिरी शूटिंग शेड्यूल में है। इसके बाद दिल्ली में 2 दिन की शूटिंग होगी जहां फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाएगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।